जब व्यवस्था बदलती है राज व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था या सांस्कृतिक व्यवस्था बदलती है तो सबसे पहला काम होता है प्रतीकों को बदला जाता है प्रतीकों को कब्जा किया जाता है बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण केंद्र 26 अलीपुर रोड आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे भी है क्या आज ही के दिन छब्बीस अलीपुर रोड पर कब्जा करने की सांस्कृतिक रूप से कब्जा करने की शुरुआत हुई है दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अंबेडकर नाम है। जब मैं बात कह रहा हूँ बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि क्या क्या आज घटनाक्रम हुआ है 26 अलीपुर रोड में वो आपको बताने वाला हूँ सुनिए पूरा वीडियो गंभीरता से सुनिए जब बौद्ध धर्म को ख़त्म किया गया तो क्या किया गया उनके जितने बौद्ध मठ थे उनको पहले कैप्चर करके मंदिर बनाया गया बौद्ध मूर्तियों को कैप्चर करके उसको जो है ना हिंदू विष्णु राम बनाया गया पूरे भारत भर में इसके प्रमाण मौजूद हैं तो ये इसको कोई हल्का कोई बहुत ही आसान मत समझिए कि आज जो 26 अलीपुर रोड पर हुआ है उसके बहुत ही गंभीर मायने हैं 200 साल बाद पता लगा कि आरएसएस का मुख्यालय छब्बीस अलीपुर रोड बना दिया गया इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है इसलिए सूचना आपको देना बेहद जरूरी है अपने आस पास ये गतिविधियां अगर हो रही हो बौद्ध मठ को बौद्ध मूर्तियों को कैप्चर किया जा रहा हो उसको भगवान बनाया बना जा रहा हो तो उसको रिशिस्ट जरूर कीजिए हमारे साथ वीर सिंह साहब हैं हमारे पुराने मित्र हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं लगातार रिटायरमेंट के बाद लगातार सड़कों पे आप देखेंगे हर जगह आपको दिखेंगे आज क्या क्या घटनाक्रम हुआ है 26 अलीपुर रोड पर ये आपको बताएंगे वीर सिंह साहब वीर सिंह साहब स्वागत है अमेरिका नामा में धन्यवाद सर जय भीम जय भारत भीम जय संविधान मैं आज आर्ट फैकल्टी डॉक्टर ऋतु के धरने पर आ रहा था जी तो हमारे अध्यक्ष जी का फोन आया मेरे पास कि छब्बीस अलीपुर रोड में कोई पंडित जी पूजा कर रहे हैं विश्वकर्मा पूजा के नाम पर आप फटाफट वहाँ पहुंची है तो मैं नजदीक था मैं वहां पहुंचा तो जब तक वो पूजा करके अपना कार्रवाई खत्म कर चुका था मैंने उससे पूछा भाई क्यों किया पूजा तुम तुम कुछ छोड़ोगे गए हमारे नाम से तुम चौरासी हजार हमारे जो ना बहुत बिहार खा गए तुम अब यहाँ भी कब्जा करने की नियत है हाँ पंडित जी मिले, हाँ, मिले मैंने अच्छा। पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं बोला मैं तो किसी ने भेजा था कोई कौशिक नाम का आदमी उसका बताओ पूरा नाम एड्रेस तो नहीं बता पाया सिक्योरिटी गार्डों के भी सो मिली भगत है तो मैं कॉल कर चुका था सौ नंबर पर

नहीं थाना मैं वहीं बुला लिया ना तुम अच्छा मैंने सोन मैंने कॉल करके पूरा पीसीआर स्टाफ हो और जो ना थाने की पुलिस को वहीं बुला लिया जब तक हमारे अध्यक्ष जी भी गए और बीमार भी वाले स्टूडेंट फेडरेशन के भी लोग आ गए कुछ हम हो गए वहाँ बीस तीस लोग इकट्ठे तो थाने में हमने कंप्लेंट दी फिर कि भैया हमारी भावना हुई है एक सौ तिरपन ए दो सौ पचानवे ए और उन्होंने सबूत मिटाए हैं और दो सौ एक बटा चौंतीस जी, जिस भी इसमें साजिश में शामिल है सभी के खिलाफ एफ आई आर लॉज की जाए इन इन सेक्शनों में मैं लिख कर देखा आया हूँ अब वो हिल गए वो सारे अब बोला आपकी भावना कैसे होगी आपका प्रसन्न तो है नहीं प्रसन्न तो भाई नहीं है हमारा

तो क्या कर रहे हैं पुलिस वाले कह रहे हैं देखेंगे इंक्वायरी करके एफ आई आर अगर होती है तो करेंगे जी एफ आई आर तो बनती है आप बताएंगे ये ऑफेंस नहीं हुआ जो सेक्शन में रखी है अब उनके पास जवाब नहीं कोई वो उस पुजारी का फोटो लिया आपने पुजारी का फोटो भी है और उसका नाम भी है माँ उसका नाम बता देता हूँ मैं सर पुजारी का नाम है एड्रेस मैंने नोट किया उसका उसका नाम है सोमनाथ सनोप श्यामलाल लाल दस बटा ग्यारह मालवीय नगर में रहता है उसका ये फोन नंबर भी है तो ये सारी चीज़ें हमने पुलिस को दे दी है और सारी मैं अपना लिखित में देखा है वो देखते हैं कब तक केस दर्ज करते हैं अब ए सी साहब ने कहा कि हम आपको बता देंगे माँ ठीक है आपके पास अभी आप इस समय नहीं है ये केस ऐसे दर्ज नहीं करते सर ये हाई लेवल तक जाएगी मैटर नहीं और... मैटर तो अगर केस दर्ज नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे प्रदर्शन करेंगे प्रदर्शन करेंगे और थाने पे थाने पे प्रदर्शन करेंगे कुछ तो करना ही पड़ेगा ये धीरे धीरे घुसेंगे इसमें कब्जा कर लेंगे

भाई ये कोई कोई जवाब नहीं है ये हमारी भावना तो ही है सेक्शन बनती है केस दर्ज करिए आप तो पुलिस उसको रोका कि नहीं पुलिस ने थाने में बैठा है थाने में बैठा है पंडित थाने में है अभी अब जो... दोस्तों ये बात समझिए कि आप जब नहीं बोलेंगे बगैर रोए हुए बच्चा को माँ दूध भी नहीं पिलाती है आपके हर प्रतीकों पे कब्जा किया जा रहा है आपके हक हकूक मारे जा रहे हैं आरक्षण खत्म की जा रही है और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है आई में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं प्रोफेसर भी सुसाइड कर रहे हैं यहाँ ऋतु सिंह भी धरना में बैठी है इस इसमें कोई सुनवाई नहीं और धीरे धीरे छब्बीस अलीपुर रोड में जाकर विश्वकर्मा जयंती के दिन वहाँ पे पूजा पूजा पाठ के कर्मकांड किया गया है प्रधानमंत्री जी आज एक बड़ी योजना की घोषणा उन्होंने की है आज उनका बर्थडे भी है ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए कि आखिर किसके इजाजत से वो ब्राह्मण वो पंडित वहां जाकर पूजा किया है एक और जी बात है सर बीच में सॉरी आज ई रामा पेरियार का जन्मदिन है पेरियार उसको विस्कर्मा बना दिया इन्होंने हाँ पेरियार के विचार को जो है ना करने के लिए सुनिए पहले ये है गंभीर मसला पेरियार के विचारों को डायलूट करने के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई बाबा साहब का जो निवास स्थल 26 अलीपुर रोड जो कि महत्वपूर्ण केंद्र है वहाँ पे पूजा अर्चना करवाई गई है गिरफ्तारी होगी नहीं होगी एफ दर्ज होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता लेकिन जाहिर है कि ये मसला जो है आसान नहीं है बहुत ही गंभीर मसला है अगर आपने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो आज न कल वो छब्बीस अलीपुर रोड जो है ना वो संतरा रंग में रंगा हुआ नजर आएगा मेरा काम सूचना देना आपको एनालिसिस करना और आपके नॉलेज को बढ़ाना है देखते रहिए अम्बेडकरनामा इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और घर घर पहुँचाइए अगर पुलिस वाला कार्रवाई नहीं कर रहा है तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो ये आंदोलन जरूर बनाइए शुक्रिया देखते रहिए अम्बेडकरनामा